हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे यहाँ। आज मैं आपकी मैम, संस्कृत मैम रेनू मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग एक, पाठ एक, प्रार्थना। प्रार्थना कराने जा रही हूँ। बच्चों, आप जब सुबह उठते हो तो आप सब प्रार्थना करते हो कि नहीं? सभी प्रार्थना करते होंगे, तो आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। देखिए कैसे करते हैं प्रार्थना। ये बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करने हैं, कर रहे हैं। सुबह का समय है और सुबह के समय बच्चों सभी प्रार्थना करते हैं। आइए मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं। परमेशः पिता अस्माकं जननी तु वसुंधरा, वयं सर्वे तयो पुत्रः नमामस्तौ नतः सदा। इसमें क्या कह रहे हैं बच्चे कि हे परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, आप हमारे कौन हो? आप हमारे पिता हो। जननी तू वसुंधरा, और हमारी माता कौन है? माता पृथ्वी, वसुंधरा यानी कि धरती, यानी कि पृथ्वी यानी कि भूमि। आप हमारी जननी हो, आप हमारी माता हो। वयम सर्वे तयो पुत्रः, हम सब आप दोनों के संतान हैं। हम सब कौन हैं? आप दोनों की संतान हैं। नमामस्तौ नतः सदा, हम आपको हमेशा नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक बार फिर से देखिए बच्चों, बच्चे प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे पिता हो और हमारी माँ वसुंधरा यानी कि धरती है, और हम सब आपकी संतान है, आप दोनों की। किस किस की? हम आप दोनों की। किस किस की? परमेश्वर की और वसुंधरा धरती की। हम आप सबकी संतान है, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया बच्चों ने कैसे प्रार्थना की, है ना? तो अब हम जो आपको इसमें ये श्लोक में जो शब्द आए हैं उन शब्दों के कुछ अर्थों के बारे में जानते हैं। देखिए शब्द अर्थ है बच्चों, परमेशः। परमेशः क्या है? ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, है ना? अस्माकम, अस्माकम माने हमारा या हम लोगों का। अस्माकम माने हमारा या हम लोगों का। जननी, जननी कौन होती है? माँ, माता। जननी माता। वसुंधरा कौन है? वसुंधरा है धरती माता, पृथ्वी जो कि धरती माता है। और वयम, वयम माने क्या है? हम लोग, हम सब। अहम आवाम वयम, वयम है बहुवचन में अहम का, हम सब लोग। नमामस्तौ माने आप दोनों को, उन दोनों को नमस्कार करते हैं। किन दोनों को? परमेश्वर को, अभी आपने जाना, परमेश्वर को, और वसुंधरा को, धरती को। और सदा, सदा माने हमेशा, ऑलवेज, हमेशा हम आपको नमस्कार करते हैं। ऐसा बच्चों ने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना में कहा। हम सब भी प्रार्थना में यही कहते हैं ना कि हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि देना, हे ईश्वर हमें उत्तम स्वास्थ्य देना, है ना? यही सब मांगते हैं ना, और यही सब ईश्वर से हम सब प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों चलिए आज हम इसका थोड़ा सा, जो ये श्लोक था इसका थोड़ा सा अभ्यास कार्य करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है बच्चों, अस्माकं पिता कः अस्ति, हमारे पिता कौन है? कौन है हमारे पिता? हमारे पिता हैं परमेश्वर। कौन है हमारे पिता? परमेश्वर यानी कि ईश्वर या परमात्मा, कुछ भी आप कह सकते हैं बच्चों। हमारे पिता परमेश्वर। अस्माकं माता का अस्ति, हमारी माँ कौन है? कौन है हमारी माँ? हमारी माँ है वसुंधरा। कौन है? वसुंधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किमर्थम वयम ईश्वरस्य नमामस्तौ नतः सदा, हम किस लिए ईश्वर को हमेशा नमस्कार करते हैं? किस लिए करते हैं हम नमस्कार? ये आपको पता ही है, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं, इसलिए हम ईश्वर को हमेशा नमस्कार करते हैं। वयम सर्वे, वयम सर्वे
तयो पुत्र, हम सब उनके पुत्र हैं इसीलिए उनकी संतान हैं, इसीलिए हम उनको हमेशा नमस्कार करते हैं। बच्चों आप ये प्रश्नों के उत्तर हिंदी में भी दे सकते हो, मैंने आपको संस्कृत में कराया है लेकिन आप इसके उत्तर हिंदी में लिख सकते हो, जैसे कि अस्माकं पिता कः अस्ति, हमारे पिता कौन है, परमेश्वर। ये तो हिंदी और संस्कृत दोनों में एक सा होगा। नेक्स्ट है हमारा अस्माकं माता कः अस्ति, हमारी माँ कौन है, हमारी माँ है वसुंधरा। फिर है किमर्थम वयम ईश्वरस्य नमामस्तौ नतौ सदा, हम किस लिए ईश्वर को हमेशा नमस्कार करते हैं। संस्कृत में लिखेंगे आप तो आप लिखेंगे वयम सर्वे तयो पुत्रः, हम सब उनकी संतान है। आप लिखोगे हिंदी में हम सब उनकी संतान है इसीलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। अब हमारी बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिक्त स्थानानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी कि खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है बच्चों, रिक्त स्थानों में भरिए, परमेश्वर है पिता अस्माकम, पिता जो है हमारे कौन है, परमेश्वर है, जननी तू वसुंधरा, यही तो करेंगे हम, जननी तू वसुंधरा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों हमारी, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है हमारा ख डैश नमामस्तौ नता सदा, क्या वयम सर्वे अभी मैंने आपको बताया था तयो पुत्रः नमामस्तौ नता सदा, हम सब उनकी संतान हैं इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है बच्चों हमारा, एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 3, सम्यक अर्थ चिन्हित करो, जो सही अर्थ है उसको हमें बताना है कि सही अर्थ क्या है। ठीक है तो सही अर्थ देखिए आगे, पहला दिया हुआ है अस्माकम, अस्माकम के बच्चों दो विकल्प दिए हुए हैं, या हम लोग या कि सब लोग, आप क्या कहते हैं इसमें। अस्माकम माने अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अस्माकम माने हमारा या हम सबका या हम लोग, अस्माकम हम लोग, तो हम यहाँ पर राइट लगा देंगे हम लोग पर। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है हमारा वयम, वयम माने क्या होता है, हम या कि तुम, आपको पता है वयम माने क्या होता है, अभी मैंने बताया था वयम सर्वे तयो पुत्रा, वयम यानी कि हम सब आप दोनों के संतान हैं। नेक्स्ट है बच्चों फिर सदा, सदा माने क्या होता है, सदा सर्वदा, सदा कभी या हमेशा, क्या कहेंगे आप, सदा मीन्स हमेशा, तो यहाँ हम राइट का निशान लगा देंगे, सदा मीन्स हमेशा। तो बच्चों आपको समझ में आया, हमने सही उत्तर पर सही का निशान लगाया है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों संस्कृते लिखत, संस्कृत में लिखो, क्या लिखना है हमें, माता, माता को संस्कृत में क्या बोलेंगे आप ही बताइए, माता को बोलेंगे जननी, क्या बोलते हैं, जननी। ईश्वर, ईश्वर क्या है, ईश्वर तो आपको पता ही है, परमेश्वर। पृथ्वी क्या है, अभी आपने श्लोक में पढ़ा, जननी तो वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी है। नेक्स्ट है पिता, पिता कौन है हमारे, पिता तो हमारे परमेश्वर है लेकिन पिता को क्या कहते हैं, जनक, क्या बोलेंगे संस्कृत में, जनक, जनक। तो देखा बच्चों आपने, हमने जो श्लोक आया था पाठ में, प्रार्थना इतनी सुंदर प्रार्थना बच्चों ने की, आपने भी साथ में हमारे की होगी, मैंने भी की, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रार्थना करके, आपको भी अच्छा लगा होगा। अब इसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, रचनात्मक कार्य हैं, ये आपको करना होगा अपनी एक्टिविटी में, करो कयोरपि प्रार्थना स्वभाषायाम अनुवादम कुरुत अध्यापक महोदयम च दर्शत दर्शयत, जो आपने प्रार्थना करी है उसका अनुवाद करो हिंदी में, जो भी हमने प्रार्थना करी थी जो श्लोक की, और अपने अध्यापक को या अध्यापिका को उसको प्रार्थना को दिखाओ, करके दिखाओ। ये आपका रचनात्मक कार्य है बच्चों, जो कि आप करेंगे। और
इस प्रकार बच्चों आपने प्रार्थना की ईश्वर से और कहा कि हम सब आपकी संतान हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो अच्छा लगा होगा आपको प्रार्थना करके। प्रार्थना करके बच्चों मन में बहुत आत्मिक शांति मिलती है, अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।